वेलकम टेक गुरु के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूँ मुंबई में प्रभा देवी के ट्रांसेंड जिम में। और अगर आपको गर्मियों में हॉट समर बॉडीज चाहिए तो आपको करना पड़ेगा वर्कआउट। तो आपके वर्कआउट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आज कुछ ऐसे गैजेट्स लाई हूँ जो आपके वर्कआउट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। लेकिन वो गैजेट्स देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे इस हफ्ते की टॉप स्टोरीज क्या है। गर्मियों के मौसम में वर्कआउट करने के लिए बेस्ट गैजेट्स। 1,000 से 10,000 के बीच में टॉप 10 फोन। एप्स दिस वीक में हम बताएंगे कुछ एप्स जो आपकी जिंदगी बनाएंगे आसान। गर्मियों में अगर आपको म्यूजिक सुनते सुनते वर्कआउट करना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक जिम की प्लेलिस्ट को सुनना और दूसरे अपने खुद के गैजेट्स और प्लेलिस्ट कैरी करना। तो आज के एपिसोड में हम आपके लिए ऐसे ही दो इंटरेस्टिंग गैजेट्स लाए हैं जो आपको आसानी से स्वेटी समर वर्कआउट करने में मदद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल के एयरपॉड्स की। दिखने में बिल्कुल एप्पल के एयरपॉड्स की तरह ही है, बस वायरलेस है, बिल्कुल सीमलेसली कनेक्ट करता है एप्पल के सारे गैजेट्स के साथ, चाहे वो आपका आईफोन हो, एप्पल वॉच सीरीज 2, नाइकी प्लस हो। और इसी के साथ आप इस वर्कआउट को बिल्कुल सीमलेस बना सकते हैं बिल्कुल म्यूजिक सुनते सुनते। दिखने में स्लीक और सारे एप्पल गैजेट्स के साथ सीमलेस कनेक्टिविटी, ये है एयरपॉड्स की खूबी। पर अपने फेवरेट म्यूजिक ट्रैक्स आईट्यून्स पर ही डाउनलोड करें, उन्हें एप्पल वॉच सीरीज 2 पर ट्रांसफर करें और अपने एयरपॉड्स के साथ वर्कआउट शुरू। कस्टम एप्पल W1 चिप से बने एयरपॉड्स ऑप्टिकल सेंसर और मोशन एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं जब वो आपके कानों में होते हैं। आप दोनों एयरपॉड्स इस्तेमाल करें या एक ही, W1 चिप ऑटोमेटिकली ऑडियो को रूट करता है और माइक्रोफोन को एंगेज रखता है। और साथ ही अगर आप कॉल पर हो या सिरी से बात कर रहे हो, एक एक्सेलेरोमीटर फिल्टर की तरह काम करके बैकग्राउंड नॉइस को फिल्टर करता है और आपकी आवाज़ को साफ साफ सुनाता है। पर इसे देखते ही मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्या ये एक रिगरस एक्टिविटी जैसे क्रॉसफिट या रनिंग सह पाएंगे या कानों से गिर जाएंगे। एयरपॉड्स को पहली बार देखने के बाद मैंने अपने आप को देखा तो बहुत ही अजीब लगे अपने कान में, लेकिन एकदम परफेक्टली फिट बैठते हैं। और सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आया वो ये था कि कोई भी रिगरस वर्कआउट ये सहन कर पाएंगे या नहीं, या फिर मेरे कान से गिर जाएंगे। दोनों नहीं हुआ, इसके साथ आप आसानी से दौड़ सकते हैं और बहुत आसानी से कोई भी रिगरस वर्कआउट कर सकते हैं, कान से नहीं गिरते। इसकी अल्ट्रा लो पावर W1 चिप से बैटरी लाइफ भी आसानी से मैनेज होती है। इसमें आपको 5 घंटे का लिसनिंग टाइम केवल एक सिंगल चार्ज में मिल जाएगा। और अगर आपको क्विक चार्ज चाहिए तो सिर्फ 15 मिनट में आपको 3 घंटों का लिसनिंग टाइम दे सकता है। कान में डालो तो म्यूजिक ऑन और कान से निकालो तो म्यूजिक अपने आप ऑफ। आईफोन 5 के बाद सारे फोन मॉडल्स के साथ कंपैटिबल है एयरपॉड। तो एप्पल के एयरपॉड्स और एप्पल की सीरीज 2 वॉच इज इक्वल टू फ्रीडम। इन दोनों को अगर आप वर्कआउट्स में इस्तेमाल करें तो आपको आपके एप्पल आईफोन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वॉच तो GPS एनेबल्ड है, तो इसके साथ आप ढेरों एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। साथ ही बिल्कुल कनेक्टिविटी आसान है, इसकी बैटरी आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं और अच्छी खासी बैटरी लाइफ भी है इसकी। लेकिन 15,000 रुपये में थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन काफ़ी कॉम्पैक्ट है और दिखने में भी काफ़ी कूल है। अब बात करते हैं टॉम टॉम स्पार्क 3 के बारे में। GPS ट्रैकिंग
ऑनबोर्ड स्टोरेज और वायरलेस हेडफोन्स का कॉम्बिनेशन ये वॉच आपके बोथ इंडोर और आउटडोर वर्कआउट्स को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। ये 24 घंटे की एक्टिविटी ट्रैकिंग वॉच एक हार्ट रेट मॉनिटर और जीपीएस ट्रैकिंग के साथ आता है। हार्ट रेट मॉनिटर बिल्ट इन होने के कारण इसमें चेस्ट स्ट्रैप की जरूरत नहीं है। आपको अपने फोन में टॉम स्पार्क ये ऐप डाउनलोड करना होगा और अपने म्यूजिक प्लेलिस्ट को इसी ऐप की मदद से ट्रांसफर करना होगा। इसमें 3 GB का बिल्ट इन म्यूजिक स्टोरेज है जिसे आप हाई क्वालिटी ऑडियो पर सुन सकते हैं। इस पर MP3 और AAC फॉर्मेट्स में गाने प्ले होंगे, पर आप इस पर कॉपीराइटेड म्यूजिक नहीं चला सकते। ये घड़ी 40 मीटर और 130 फीट तक पानी में जा सकती है। टॉम स्पार्क 3 एक्चुअली एक मल्टी स्पोर्ट वॉच है जिसे आप स्विमिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हेडफोन्स जो है वो स्प्लैश प्रूफ है, वाटरप्रूफ नहीं है। इसके वॉच की तरह आप इसे स्विमिंग के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन बारिश में या फिर अगर आप पसीने से लथपथ वर्कआउट कर रहे हैं तो इन दोनों के लिए इसके हेडफोन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपको इसमें म्यूजिक डाउनलोड करने पर छोटी सी दिक्कत आ सकती है। अपनी iTunes की प्लेलिस्ट को टॉम माय स्पोर्ट्स कनेक्ट अपने मैक या पीसी की मदद से डाउनलोड करना होगा। ये प्रोसीजर थोड़ा सीमलेस हो सकता था। ये वॉच ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आती है, मतलब इसमें आसानी से आप अपनी प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं। साथ ही इसके हेडफोन्स काफ़ी कंपैटिबल है इसके साथ, ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही दूसरे कंपनियों के हेडफोन्स भी टॉम स्पार्क 3 के साथ आप मैच कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार में ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है, तो इसके फ्री हेडफोन्स के साथ ही जाइए। और अगर आप म्यूजिक सुनते सुनते खो जाएं, तो टॉम ने पहली बार रूट एक्सप्लोरेशन का ऑप्शन दिया है जिससे आप कंपस सेंसर की मदद से अपने घर तक वापस पहुंच जाएं। अगर आप ट्रैकिंग करते करते किसी नए ट्रेल पर चले गए तो भी आपको वापस आपके स्टार्ट पॉइंट पर यह घड़ी लेकर आएगी। फाइनल वर्डिक्ट 25,000 रुपए में टॉम स्पार्क गार्मिन और एप्पल वॉच सीरीज 2 के मुकाबले काफ़ी सस्ती घड़ी है, काफ़ी एफिशिएंट भी है और बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। इसके हेडफोन्स बिल्कुल अच्छे से कंपैटिबल है ये वॉच के साथ, तो आप वर्कआउट करते करते अपना म्यूजिक आसानी से सुन सकते हैं। समर में आपके वर्कआउट को और कूल बनाने के लिए है अदिदास के रैप निट टाइट्स। बिल्कुल सीमलेसली आपके ऊपर ट्रेनिंग वर्कआउट के दौरान बैठेंगे और साथ ही काफ़ी ब्रीदेबल है इसका फैब्रिक, जो आपको समर के इंटेंस वर्कआउट में आपको कूल रखने में ज़रूर मदद करेंगे। क्लाइमलाइट फैब्रिक से बने ये टाइट्स पसीने को शरीर से दूर रखते हैं और इसका सीमलेस रैप निट कंस्ट्रक्शन बेहतर स्ट्रेच और वेंटिलेशन देता है, जिसकी मदद से आप अपने वर्कआउट के वक्त कंफर्टेबल रहें। और बिल्कुल हटकर है नाइकी के ये जोनल स्ट्रेंथ टाइट्स। अलग अलग एथलेटिक एक्टिविटीज अलग अलग मसल ग्रुप्स पर असर करती हैं और नाइकी के जोनल स्ट्रेंथ टाइट्स इसी सोच को लेकर बनाए गए हैं। इसमें कंप्रेशन जोन्स हैं जो सीधे बेस फैब्रिक में बुने गए हैं। इससे आप अपने की मसल ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं जिससे मसल वाइब्रेशन कम हो और आपका वर्कआउट और बेहतर। एक और ऐसा गैजेट है जो आपके वर्कआउट को यूनिक बनाएगा, रुआ वॉक। एक इंटरेस्टिंग गैजेट है जिसे आप अपनी शू की लेस पर टाई कर सकते हैं, जो आपके वर्कआउट को फन, इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाएगा। फिटनेस वेरेबल रुआ वॉक से म्यूजिक की मदद से यूजर्स अपने स्टेप्स को टाइम कर सकते हैं। एक डायनामिक प्रोग्राम और सिंक्रोनाइज म्यूजिक की मदद से लोगों को एक स्पेसिफिक टेम्पो के साथ चलने में मदद करता है।
बस आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, गैजेट अपने जूते में क्लिप करना है, फिर आपका गैजेट आपके स्मार्टफोन के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाएगा और फिर क्या, बस चले चलो। एक साइंटिफिकली डेवलप्ड एल्गोरिथम की मदद से आपको ये वॉच सही म्यूजिक चुनने में मदद करेगी, ताकि आप अपना पेस कंट्रोल करें और अपने स्पेसिफिक पर्सनल गोल्स तक पहुंच पाएं। अगर आपका पेस गिर जाए तो वर्चुअल कोच आपको चीयर करेगा, फिर आप अपने म्यूजिक के हिसाब से अपना पेस बढ़ा सकते हैं। इसमें रियल टाइम फीडबैक आपको मिलता है। वो वॉक में अलग अलग वॉकिंग प्रोग्राम्स भी हैं 3 इंटेंसिटी लेवल्स के साथ, तो ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक या आराम का संडे स्ट्रोल आप इसकी मदद से कर सकते हैं। इसका वजन केवल 12 ग्राम है और इसे आसानी से चार्ज भी किया जा सकता है। 3 से 5 दिन के बाद इसे दोबारा चार्ज करना होगा। टेक गुरु में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भावना दिखाएगी 10,000 के अंदर हर 1,000 में एक फोन। हेलो एंड वेलकम बैक, टेक गुरु में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल फोन्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। हमारा ज़्यादातर काम फोन्स पर ही होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा फ़ोन हो, पर इसके लिए आपको ढेर सारे पैसे भी खर्च करने पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में मिलने वाले बेस्ट फीचर और स्मार्टफोन्स, तो चलिए देखते हैं। हजार रुपए की प्राइस रेंज में यूं तो कई बेसिक फीचर फोन्स मौजूद हैं, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा ऑप्शन है माइक्रोमैक्स X591। 980 रुपए के इस फोन में डुअल सिम का फीचर है। इस फोन में 1.8 इंच का डिस्प्ले है, जो किसी फीचर फोन के हिसाब से ठीक है। इसकी मेमोरी को 16 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। फोन में 0.8 MP का कैमरा भी है और 1800 mAh की बैटरी है। ये फोन आराम से बिना चार्ज किए 3 से 4 दिन चल जाएगा। 2,000 रुपए के अंदर आपको अगर फीचर फोन लेना है तो इंटेक्स अल्ट्रा बेहद अच्छा ऑप्शन है। 1710 रुपए इस फोन की कीमत है। इस डुअल सिम फोन में 2.8 इंच की स्क्रीन है और इसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है, तो इस फोन को एक बार चार्ज करने के बाद आपको हफ्ते भर इसे चार्ज करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। फोन की मेमोरी को 64 GB तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें 0.3 MP का कैमरा भी है। तो ये तो थे फीचर फोन्स, पर अगर आप बजट में स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप 3,000 रुपए में भी एक स्मार्टफोन ले सकते हैं। 2,700 रुपए के इंटेक्स Q7N में आपको बेसिक स्मार्टफोन के सारे फीचर्स मिलेंगे। 4.5 इंच की स्क्रीन वाले इस फोन में 2,000 mAh की बैटरी दी गई है। फोन में 5 MP का प्राइमरी कैमरा और VGA फ्रंट कैमरा दिया गया है। ये डुअल सिम फोन एंड्रॉइड V5.1 पर काम करता है। 4,000 रुपए के बजट में अगर आप स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो रिलायंस का लाइव फ्लेम 7 अच्छा ऑप्शन है। फोन में 4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। फोटो खींचने के लिए 5 MP का प्राइमरी कैमरा और 2 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 1 GB रैम और 8 GB मेमोरी दी गई है, जिसे 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है। इस फोन में 1750 mAh की बैटरी दी गई है। 5,000 की प्राइस रेंज में अगर आप डीसेंट बैटरी वाला फोन ढूंढ रहे हैं तो जोलो एरा 1X आपकी जरूरत को पूरा करेगा। फोन में 5 इंच की स्क्रीन, 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 1.3 GHz का प्रोसेसर और 1 GB रैम दी गई है। 8 GB की मेमोरी है, जिसे 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। ये फोन एंड्रॉइड 6.0 पर काम करेगा। 5,000 से 6,000 रुपए में 4G फोन लेना अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आप स्वाइप एनी 3 चुन सकते हैं। फोन में 5 इंच की स्क्रीन दी गई है। फोटोज के लिए 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। ये फोन एंड्रॉइड 6.0 पर काम करता है और इसमें 2 GB रैम के साथ 1.3 GHz का प्रोसेसर है। 16 GB की मेमोरी को 32 GB तक बढ़ाने का ऑप्शन है। इस फोन की कीमत 5,499 रुपए है। ₹7,000 में दमदार बैटरी और अच्छा कैमरा वाला फोन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो Xiaomi Redmi 3S एक बेहतरीन चॉइस होगी। फोन में 4100 mAh की बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर आराम से पूरा दिन चलेगी। फोन में 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है।
5 इंच की स्क्रीन वाले इस फोन में 1.1 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 2 GB रैम दी गई है। फोन में 16 GB की स्टोरेज है जिसे 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। ये फोन 4G इनेबल्ड है और एंड्रॉइड 6.0.1 पर काम करता है। अगर आपका बजट 7 से 8 हजार के बीच है तो स्वाइप एलीट सेंस खरीद सकते हैं। 5 इंच की स्क्रीन वाले इस फोन पर 4G VoLTE का फीचर दिया गया है। इस फोन में 13 MP का प्राइमरी कैमरा और 8 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 3 GB रैम और 32 GB की मेमोरी है जिसे 128 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। फोन में 2500 mAh की बैटरी दी गई है। 8 से 9 हजार रूपए की प्राइस रेंज में स्मार्टफोन ढूंढ रहे लोगों के लिए 8499 का लेनोवो वाइब K5 प्लस एक स्मार्ट चॉइस बन सकता है। 5 इंच के इस फोन में 3 GB रैम और 16 GB की मेमोरी है जिसे 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 13 MP का बैक कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 2750 mAh की बैटरी दी गई है और ये फोन एंड्रॉइड 5.1 पर चलता है। 10 हजार की रेंज में आपके पास 2 बेहतरीन ऑप्शन है। पहला है Xiaomi का Redmi Note 4 और दूसरा है Lenovo का K6 Power। ये दोनों ही फोन बैटरी और कैमरा दोनों के मामले में दमदार है। Redmi Note 4 में 5.5 इंच की स्क्रीन पर फुल HD डिस्प्ले दिया गया है। Android 6.0 पर चलने वाले इस फोन में 4100 mAh की बैटरी है। 13 MP का रियर कैमरा और 5 MP का सेल्फी कैमरा इस फोन में दिया गया है। फोन में 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज दी गई है। ये फोन 4G इनेबल्ड है और साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। Lenovo K6 Power में 5 इंच की स्क्रीन पर फुल HD डिस्प्ले मिलेगा। इस फोन पर भी आपको 13 MP का रियर कैमरा और 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। फोन में 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज दी गई है जिसे 128 GB तक एक्सपांड कर सकते हैं। इस फोन में 4000 mAh की बैटरी दी गई है। इन दोनों ही फोन की कीमत 9999 रुपए है। तो अगली बार जब आप फोन्स लेने जाएं तो आपके पास ढेरों ऑप्शंस मौजूद हैं और इनके लिए आपको बजट की टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं कविता के पास जो बता रही है टेक न्यूज में क्या है खास। हफ्ते भर में क्या क्या नया आया है बाजार में, कौन सी टेक्नोलॉजी या गैजेट बाजार में धूम मचा रहे हैं, ये सब है आज टेक न्यूज में। घड़ी बनाने वाली कंपनी टाइटन स्मार्ट वेरेबल टेक्नोलॉजी के बाजार में भी उतर गई है। टाइटन ने फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स बैंड बाजार में उतार दिए हैं। युवाओं को ध्यान में रखकर इस प्रोडक्ट को उतारा गया है और फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स बैंड की कीमत 1995 रुपए रखी गई है। ये बैंड आपके पूरे सेहत का लेखा जोखा रखेगा और जैसे कि कैलोरी बर्न, कितने स्टेप्स आप रोज चलते हैं, कितने दूर तक चले, इसके अलावा ये बैंड आपके कॉल्स, मैसेजेस और अलार्म्स के बारे में भी आपको नोटिफाई करता रहेगा। इसे आसानी से एप्पल और एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जा सकता है। फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स बैंड को टाइटन और फास्ट ट्रैक स्टोर से आप खरीद सकते हैं। रूमर्स के हिसाब से Xiaomi Redmi Pro 2 स्मार्टफोन इस महीने के अंत तक लॉन्च हो सकता है। Xiaomi Redmi Pro 2 में 12 मेगापिक्सल डुअल कैमरा होने की भी आशंका है, ये अंदेशा जताया जा रहा है। साथ ही फीचर्स की बात करें तो इसमें 2 वेरिएंट, एक 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ और दूसरा 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ हो सकता है। ये चलेगा MediaTek Helio P25 प्रोसेसर पर। फुल मेटल बॉडी वाले इस फोन में 4500 mAh की बैटरी होगी। तो Xiaomi Redmi Pro 2 की कीमत 15 से 18 हजार रुपए के बीच होने का अंदाजा है। एप्पल अपना अगला प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है और इस प्रोडक्ट लाइनअप में 5.8 इंच का आईफोन 8 भी हो सकता है, जिसका नाम आईफोन X हो सकता है। इसमें OLED डिस्प्ले होगा और इसके साथ ही एप्पल आईफोन 7S और आईफोन 7S प्लस और 28 GB स्टोरेज वाला आईफोन SE भी लॉन्च किया जा सकता है। आईफोन के अलावा एप्पल iPad के 3 नए वेरिएंट्स भी लॉन्च कर सकता है, जिसमें 9.7 इंच, 10.5 इंच और 12.9 इंच के 3 मॉडल्स हो सकते हैं। रिलायंस जियो के धमाकेदार एंट्री के बाद फ्री कॉलिंग और फ्री डेटा से टेलीकॉम इंडस्ट्री में पूरी तरह से बदलाव आ गया है और अब रिलायंस जियो और गूगल मिलकर एक ऐसा सस्ता 4G LTE फोन बनाने जा रहे हैं जिसकी कीमत महज 1500 रुपए होगी। ये फोन जियो एक्सक्लूसिव होगा और जियो के सारे एप्लीकेशन प्री लोडेड होंगे इसमें और ये फोन साल के अंत तक लॉन्च हो सकता है।
ZTE अपना नया फोन Nubia Z17 Mini 21 मार्च को चीन में लॉन्च करेगा। इस फोन में 5.2 इंच की फुल HD स्क्रीन होगी और साथ ही कैमरे के लिहाज से इसमें पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल डुअल कैमरा और आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल कैमरा होगा। ये चलेगा Snapdragon 652 प्रोसेसर पर। इस फोन के दो वेरिएंट्स होंगे, 4GB और 6GB। भारत में Nubia Z17 जल्द लॉन्च हो सकता है और इसकी कीमत 16,000 के करीब होने का भी अंदेशा है। तो टेक गुरु में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कुछ मस्ट हैव एप्स, बने रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और एप्स हमारी जिंदगी में अहम रोल निभाते हैं, ये हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ एप्स हमारे एप्स दिस वीक में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐप कैम स्कैनर। जी हाँ, जैसा कि इसका नाम है ये स्कैन करता है, लेकिन क्या क्या स्कैन करता है ये आप जरूर सुनिए। आपके जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप स्कैन करके रख सकते हैं इस ऐप के जरिए। अक्सर हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें मिसप्लेस हो जाने का खतरा होता है, और क्योंकि हम थोड़े से केयरलेस भी होते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को संभाल नहीं पाते, तब काम आता है ये ऐप। ये ऐप जो है वो एक महीने के लिए फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर और iOS से, लेकिन एक महीने के बाद आपको फीस देनी होगी। इस हफ्ते का मेरा जो ऐप है वो है वर्ड क्लाउड। ये जो ऐप है इसमें बहुत सारे वर्ड्स आप इसमें लिख सकते हो, सेंटेंसेस भी बना सकते हो, साथ में वर्ड्स को आपको मतलब एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन, जितने भी आपको इसमें टाइप करने हैं वो टाइप कर सकते हैं। फिर डिफरेंट कलर्स रहेंगे आपके पास, ऑप्शंस भी रहेंगे जिसमें आप वर्ड्स जो है उसको फ्रेश लुक दे सकते हैं। साथ में बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, आप बैकग्राउंड को कलरफुल रखना है या फिर ट्रांसपेरेंट करना है वो भी हो सकता है। शेप्स भी अलग अलग इसमें अवेलेबल है। ऐप दिस वीक में जो ऐप मैंने चुना है वो है वर्डपैड। कहानी को लिखने और पढ़ने के शौकीनों को ये ऐप बेहद पसंद आएगा। ये ऐप बेसिकली राइटर्स की एक कम्युनिटी की तरह काम करता है। यहाँ पर आप अपनी राइटिंग्स, कहानियाँ शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, साथ ही आप दूसरों की लिखी गई नॉवेल्स को पढ़ भी सकते हैं। आप अपने पसंदीदा जॉनर के हिसाब से अपनी रीडिंग लिस्ट बना सकते हैं, जैसे साईफाई, रोमांस या फिर थ्रिलर। तो टेक गुरु में समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन आप भी अगर टेक गुरु शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने गैजेट्स का रिव्यू शूट करके हमें techguruawaz@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारी टीम को अगर आपका वीडियो पसंद आया तो आपका गैजेट रिव्यू हम अपने शो में शामिल करेंगे। वीडियो के साथ आप क्या करते हैं, अपना नाम और कहाँ रहते हैं ये भी जरूर लिखकर भेजिए। तब तक देखते रहिए CNBC आवाज़। स्टे कनेक्टेड।